Nutrition has gone with the 7 lakhs. Any advances on 7 lakhs? Then you do your song. I will sell Nutrition has gone with the at 7 lakhs. Fair money. Sold. Nutrition can have the panel now, please. Lot number 3, Madhvi Pale. I can start bidding here at 4.2 lakhs. 4.5, 4.8. Any advances on 4.8? Any advances on 4.8? Any advances on 4.8? Thank you, I have 5 lakhs. 5 lakhs in the room. Thank you, miss. 5 lakhs in the room. Any advances on 5 lakhs? Any advances on 9.5 lakh? Early below oil on canvas. Thank you. I'll take 10. The next bit is about 17. We can start at 28 lakhs, 30 lakhs, 32 lakhs. Any advances on 32 lakhs? Any advances on 32 lakhs? Thank you. I have a bid of 35 lakhs from Vishnu's phone bidder. 35 lakhs from Vishnu's phone bidder. Any advances on 35 lakhs? Fair warning. Sir, Avinash ji. You're all done, I will say. Ritesh, hold. So, at 35 lakhs, the Vishnu's phone bidder. Can we have the panel number, please? Lot 18. AK Heather. First of all, I would like to congratulate Anmol Jewelers for the successful completion of 30 years. I wish them loads and loads of happiness, success for their future. And I'm wearing this very beautiful jewelry by Anmol. Yeah, so I feel privileged. जी वेन एवर फेस्टिविटीज़ लाइक धनतेरस कम्स और एनी सॉर्ट ऑफ फेस्टिविटीज़ वेन आई हैव टू गिफ्ट समवन माई मदर और एनी वन सो आई मेक श्योर यू नो अनमोल ज्वेलरीज आर जस्ट सो अमेजिंग द डिज़ाइन आर वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी आई मीन इट्स वेरी ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन इट्स सच अ सैड पार्ट बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये सब चीज़ें देख के बट आई वुड नॉट लाइक टू सी आई मीन एनीथिंग ग्रेट ग्रैंड मस्ती की बात करते हैं क्या चल रहा है कब क्या किस तरह किरदार निभा रहे हैं आई एम रियली वेरी हैप्पी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड मीटी रोल ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीजेस दिस जुलाई सो या आई मीन इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द फिल्म्स मोस्ट अवेटेड फिल्म्स एंड एवरी वन आउट देयर इज जस्ट वेटिंग फॉर इट सो या आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन टू जस्ट गो एंड वॉच इट सलमान खान के साथ हम आपको कब देखेंगे बिकॉज हमने सुना है मतलब हम वो भी आपकी एक्टिंग को बहुत ही लाइक करते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ बातें चलती हैं या कुछ आपसे बातें हुई कि भाई इस तरह के प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे जी हाँ सलमान खान जो हैं उनको मेरा काम बहुत पसंद आया सनम रे में ही इज़ रियली अप्रिशिएटेड मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग आई एम वेरी पेशेंट पर्सन मुझे किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है पर चाहती हूँ जो भी अच्छा हो बहुत ही शानदार हो एंड इट शुड बी इन अ वेरी ग्रैंड वे दैट्स इट द ग्रेट ग्रैंड मस्ती में तीनों एक्टर्स में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री किससे किसके साथ आपकी देखी जाएगी तीनों के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्टर ही सेज कि उर्वशी यू आर द हीरो ऑफ माय फिल्म और एक आखिरी सवाल सलमान खान अभी हाल ही में मामा भी बने यस यस विश करना चाहेंगे आप जी मैंने उनको ऑलरेडी सलमान खान को पर्सनली टेक्स्ट करके विश कर दिया है इट्स सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर द एंटायर खान फैमिली एंड अर्पिता जो हैं और अभी जस्ट यू नो बेबी वेन एवर बेबी इज बॉर्न इट्स सच अ बिग डे फॉर एवरी वन So I've already congratulated him, yeah. Thank you. Thank
दिस इज़ प्रीटी मच द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक जो आपने पूछा है. पापा से हर चीज़ सीखी है. आई थिंक बचपन से चलना सिखाया है और आज मूवीज़ की दुनिया में कैसे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, तो हाँ हर चीज़ सिखाई. जिस तरह की फिल्में वो बनाते थे आप भी उसी जोन में जाएंगे या कुछ अलग करने की चाह? वेल, मेरी जो लॉन्च फिल्म है जी भर के जीले वो तो रोमांटिक कॉमेडी है, तो आई थिंक पापा से ऑलरेडी पापा से डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ नया करने की कोशिश. आई थिंक ऑल्सो बिकॉज जो मेरे डायरेक्टर हैं बिनॉय गांधी, आई थिंक क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड भी यशराज से है और मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ, तो मैं तो टैंक पे बैठ के गोली नहीं चला सकती, तो और मुझे हमेशा से रोमांटिक फिल्में अच्छी लगी हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई. फीडबैक क्या देते हैं? फीडबैक तो वो फादर के जैसे भी देते हैं और डायरेक्टर के जैसे भी देते हैं और वो इतने सीनियर हैं इंडस्ट्री में, तो उनका फीडबैक तो वी आर ऑन, आई एम ऑनर्ड कि मुझे फीडबैक मिल भी रहा है. बट कभी कभी डांट देते हैं, कभी कभी बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है. मैं एज अ गर्ल आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव ज्वेलरी स्पेशली आई थिंक, लेकिन ज्वेलरी को मैं समझी हूँ ऑफ रिसेंटली, थोड़े साल पहले जब मैंने पापा को असिस्टेंट डायरेक्टर थी पापा के साथ उमराव जान पे, तो तब जो ज्वेलरी जो ऐश्वर्या जी ने और शबाना जी ने और सब ने पहनी थी वो सब रियल ज्वेलरी थी. तो मैं जब असिस्टेंट थी तो मैं ज्वेलरी को देखती रहती थी और भागती रहती थी इधर उधर सेट पे, तो मैंने ज्वेलरी को तब समझा है. बस वो सितंबर में होपफुली चालू करने वाले हैं शूटिंग अपनी, तो फिंगर्स क्रॉस्ड. इट्स अ वॉर फिल्म, इंडो चाइना. हाँ इंडो चाइना. हाँ लास्टली आपकी फिल्म जो आ रही है उसके लिए कास्टिंग किसको किया? जी मैं और अजीत सोडी हैं, ही इज नफीसा अली जी के बेटे हैं, तो हम दोनों का लॉन्च पैड है. चलिए थैंक यू. थैंक यू. Right, partner. Last one.
मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ ऑनेस्टली. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बस मेरे डायमंड स्टड्स पहनती हूँ. सॉरी, आई एम सो सॉरी. मम्मी से दर गए. नॉर्मली मैं ज़्यादातर ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ. आई एम मोस्टली वेयरिंग माई डायमंड स्टड्स. लेकिन जब ओकेजन्स होते हैं दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन रियली वेयर नाइस ज्वेलरी. एंड अनमोल के ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ. एज यू कैन सी दे आर रियली ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक माई एंटायर फैमिली हैज़ बिन एसोसिएटेड विद अनमोल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. वी वेयर देयर ज्वेलरी अलॉट. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आज आई हूँ क्योंकि इट्स देयर 30th एनिवर्सरी एंड दे आर लाइक फैमिली टू टू अस. सो आई हैड टू बी हियर. थैंक यू सो मच. आई एम वेयरिंग अ रॉकी एस एंड ज्वेलरी बाय अनमोल. Shamita, also good news in the form of Bipasha Basu's wedding. You know, Shilpa would be attending. Would you be also attending? Any good wishes for Bipasha that you would like to? Well, I just love to wish both Karan and her a happy married life together. That's it. She's getting married. You just any secret gift that you have? Any surprise gift? It's a secret, so okay. I won't be divulging it. Hello. हो गया.